समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैम, आज अखिलेश जी का सदन में भाषण रहा, उन्होंने मुख्यमंत्री सवाल पूछा कि शूद्र क्या होता है, आखिर फिर मुद्दा वही जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है। देखिए, विगत दिनों में जब माननीय नेता सदन ने बात की थी तो उस वक्त उन्होंने राम राज और धर्म ग्रंथों के बारे में बात की थी। उसी सापेक्ष में आज माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बोला कि हम जो भी हैं उसमें फ़ख्र है हमको, और सदन जो है वो मर्यादाओं से नहीं चलता है, सदन जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं से चलता है। नहीं, शूद्रों को लेकर कहा, मुख्यमंत्री जी बताएं कि हमारा विरोध जो है वो क्यों हो रहा है, हमारा गंगा जल से क्यों सरकारी आवास धुलवाया गया, ये सब बातों को भी जो है वो उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी बांटने का काम कर रहे हैं समाज को। नहीं, अखिलेश जी ने जो पिछले दिनों में कृत्य हुए हैं उस पर सिर्फ सरकार से सवाल पूछा था और ये जानने का प्रयास किया था कि आप अपने पैरामीटर पर रिव्यू करके सिर्फ इतना बताने का काम करें कि जो भी घटनाक्रम हुए हैं वो गलत है या सही है। आप अखिलेश जी के जो भाषण हुआ है उससे सहमत हैं पूरी तरह से, जो उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था कि शूद्र समझते हैं समाज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको, हमारा जो है वो मंदिर में जाने का हमारा विरोध किया, गंगा जल से आवाज़ धुलवाया गया, तो क्या उनकी इन बातों का समर्थन करती हैं आप? देखिए, माननीय अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी उनको निभानी है उसको भली भांति निभा रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने बजट से संदर्भित और विगत दिनों में इस प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उन तमाम पे अपना वक्तव्य रखते हुए बड़े ही सधे शब्दों में नेता सदन से और सरकार से जवाब मांगा है, और जिस प्रकार के उदाहरण और जिस प्रकार के डेटा देकर के उन्होंने अपनी बात की सार्थकता को सिद्ध किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक विपक्ष के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा सिर्फ डायलॉग से जो है वो कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग डायलॉगबाजी ही कर रहे हैं। जी, मैंने वही कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हर मुद्दे पर और हर घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं उस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, नेता सदन को सुझाव भी दिए और उनसे सवाल भी किए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने पल्लवी पटेल जी को सुना, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन किया है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।